आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज मालेगांव शहर में कैंप इलाका एमएजी कॉलेज ग्राउंड यानी कि ईदगाह ग्राउंड के पास ग्राउंड पर हिंदुस्तान भर में मशहूर एक ऐसे बाबा, एक ऐसे संत, एक ऐसे महाराज जिनका प्रवचन सुनने के लिए किसी भी शहर या किसी भी इलाके में अगर उनका कार्यक्रम रखा जाए तो हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग दूर दूर इलाकों से सुनने के लिए आ जाते हैं। मालेगांव शहर के इतिहास में आज पहली बार बाबा प्रदीप मिश्रा जिनका कार्यक्रम आज मालेगांव शहर में इतिहास के पन्नों पर पहली बार, आज का पहला दिन कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कार्यक्रम का समय रखा गया है। इसकी तैयारियां कई दिनों से मालेगांव कॉलेज ग्राउंड पर चल रही थी और आज 23 तारीख को पहला बाबा प्रदीप मिश्रा का प्रवचन शुरू हो गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 7 दिनों तक चलने वाले इस प्रवचन में रोजाना डेली 1 लाख लोगों की संख्या प्रत्येक दिन रहने वाली है। प्रवचन 2 बजे से शाम 5 बजे तक, पहला ही दिन बाबा के मानने वाले, बाबा के चाहने वाले, बाबा के आशिक आज सुबह से ही महाराष्ट्र भर और देश भर से यहाँ आ चुके हैं। मंच काफी दूर है, हम आपको मंच तक तो पहुंचा नहीं सकते, लेकिन आपको लाखों की इस भीड़ का मंजर जरूर दिखा सकते हैं। यहाँ बाबा का प्रवचन शुरू हो चुका है 2 बजे से और कहीं लाखों लोगों की भीड़, जिसमें सबसे ज्यादा 90% महिलाओं की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की जा रही है। जिस पंडाल को लगाया गया था, जिस पंडाल को दिखाया गया था, पंडाल पूरी तरीके से भर चुके हैं। पंडाल के बाहर भी प्रवचन सुनने के लिए बाबा का यहाँ लोग आए हुए हैं। कल रात जब मालेगांव शहर, आज तक इससे पहले कभी मालेगांव शहर इलाके में बाबा का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया था और उसी का फायदा यहाँ लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए ये एक अच्छा मौका हाथ लगा है कि अपने इलाके में बाबा के इस प्रवचन पर दूर दराज इलाकों से, महाराष्ट्र भर नहीं बल्कि देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सात दिनों तक चलने वाला ये कार्यक्रम आज का पहला दिन ये लग गया शानदार तलाक बाबा प्रदीप मिश्रा के इस प्रवचन में महिलाओं की उपस्थिति 90%। कार्यक्रम का आयोजन करने वालों की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि ये मालेगांव शहर के आसपास के इलाकों में जितने भी होटल्स, लॉजिंग्स और जहाँ जहाँ भी लोग ठहर सकते थे, सबके सब 7 दिनों के लिए बुक कर दिए गए हैं। किसी भी होटल में कोई भी जगह खाली नहीं है, बल्कि आसपास के कई इलाकों के बंगले और खाली पड़े हुए जो जगहें थी
वो भी फुल हो चुकी है। मालेगांव शहर में जितने भी यहाँ प्रवचन में आने वाले लोगों के रिलेटिव रहते थे, उन रिलेटिव के घरों पर एक एक आदमियों के घरों पर, एक एक परिवार के घरों पर 20-20 लोगों से ज़्यादा गेस्ट आ चुके हैं 7-7 दिन के मुकाम से, जिनका पूरा इंतज़ाम, यहाँ रहने वालों का इंतज़ाम, उनके खाने का इंतज़ाम, जो बाहर से आने वाले लोग जो यहाँ पर डेली, इस प्रकार से बताया गया कि 25,000 से 30,000 लोग जो यहाँ मुकाम से होंगे और बाकी 1,00,000 से ज़्यादा की संख्या जो डेली आएंगी और जाएंगी, इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीड़ किस प्रकार से है, कहीं पर भी बैठने के लिए जगह नहीं है, पूरा मंडप गचा गच। Yes, it's happening.